हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर ये एनालॉग और सिमिलैरिटी मतलब सादृश्यता एवं सम संबंध को लेके आया हूं, जो कि ये काफी जरूरी होती है जानने के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन 4-5 तो मिलना ही मिलना है। खास करके एसएससी का जब सीजीएल या कंबाइंड हायर सेकेंडरी देते हैं, तो वो इसमें से क्वेश्चंस को लगभग आपको 5 से 6 इस टाइप्स का क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स में मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप्स, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें लूंगा, नहीं तो काफी लंबे हो जाएगी ये वीडियो। तो जिसमें से 2 टाइप का जो वीडियो है, इसमें एक ये मैं लूंगा कि जैसे अच्छा है बुरा है तो छत है तो क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन में लिखाऊंगा। और भी क्वेश्चन इसके बाद भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो टाइप है मेरा, वो है आपका अल्फाबेटिक में, जैसे बी वी एस के, तो ए बी एम एम, ये आपका हो जाएगा अल्फाबेटिक में। मैं 2 टाइप का आज लूंगा क्लास। और उसके बाद यदि इसके बाद और नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगी मेरी, तो उसमें आपको अलग से 2 टाइप्स का बताऊंगा, जिसमें एक वैल्यू आपका रहता है जैसे 8, 10, 12। तो इसी तरह से ऑप्शन रहेगा आपका, जैसे यहाँ 6, 3, 9, 8, 5, 1, 3, 4, 8, 16, 12, 21। तो इसमें से कौन सा ये जो मिल रहा है, इसमें से कौन सा इसमें मिलेगा, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और इसी का और एक टाइप और भी है, वो भी मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। जैसे मैथ में होता है जैसे 16, 32, तो 5 क्या होगा। तो इस टाइप का ये 2 प्रकार का मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आज मैं 2 टाइप का लेके आया हूं, जिसमें एक ये रहेगा आप एनालॉगी में आपका वर्ड पे, ये आपका जैसे अच्छा है बुरा है इस टाइप का लूंगा, एक आपका अल्फाबेटिक में लूंगा एबीसीडी में। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो स्टार्ट होगी, तो ये देखिए अच्छा बुरा है और छत है क्या है, तो इसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हमें आगे बनाना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको जब भी देखना है ये दोनों को देखना है, क्या देखना है, ये दोनों को फर्स्ट 2 को देखना है, या फिर यहां पे कोई गैप दे दे तो लास्ट 2 को देखना है। वो जिस क्रम में, जिस सिमिलरिटी में, मतलब जिस सिमिलरिटी या एनालॉजी या सम संबंध, मतलब जो संबंध एक हो, उस टाइप से ही हम नेक्स्ट को बनाएंगे। जैसे अच्छा और बुरा, ये जिस क्रम में दिया हो, जिस सीरीज में दिया हो, जिस सिमिलरिटी में दिया हो, उसी सिमिलरिटी को हम छत को और यहां जो आने वाला नेक्स्ट होगा उसको हम उसी सिमिलरिटी से मिला के आंसर देंगे, अदरवाइज वो गलत होगा यदि हम यहाँ पे दूसरा चीज भर देते हैं। तो अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है अच्छा, यहाँ पे क्या है बुरा, मीन्स जैसे अच्छा है बुरा है, तो उसका सिमिलरिटी क्या है, ऑपोजिट। सिमिलरिटी क्या है, ऑपोजिट है। अच्छा का बुरा क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो अच्छा का जैसे बुरा ऑपोजिट हो गया, तो उसी तरह छत का ऑपोजिट हमको देना है। तो छत का ऑपोजिट क्या होगा, ये देखिए दीवार होगा, तो छत ऊपर होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या दीवार होगा, नहीं होगा। क्या खंभा होगा, ये भी नहीं होगा। क्या फर्श होगा, ये होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि छत ऊपर फर्श नीचे, तो ऊपर नीचे ऑपोजिट ये हो गया, और खिड़की नहीं होगा। तो ये मैं एक बता रहा हूं आपको कि इस टाइप से आपको बनाना है। और देखिए ये एक प्रकार हो गया। दूसरा पॉइंट में ये आते हैं, देखिए पॉइंट 2 लिखा हूं मैं, दूसरा पॉइंट में ये है कि जैसे बी वी एस सी वाई ई एच एक्स एम आर सी पी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीन्स चौथा पे, जैसे इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी जिस टाइप से दिया हो उसी टाइप से हम इससे और इसमें बनाएंगे, अदरवाइज यदि इसमें इसमें नहीं मैच कर रहा हो तो ये भी नहीं मैच करेगा, या यहां मैच कर रहा हो यहां मैच ना कराइएगा तो वो भी गलत है। तो इसको इसको मैच करने के लिए क्या है, तो एक मैं सबसे आसान सा छोटा सा ट्रिक्स बताता हूं इसमें। जैसे देखिए जब भी ये अल्फाबेटिक में आ जाए तो आपको क्या करना है, देखिए ए से लेके एम तक पदे मानना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ए से लेके एम तक लिखिए, क्या लिखिए, ए से एम तक लिखिए, और उसके बाद जहां एम आ जाए उस वहां से एन से स्टार्ट करके उल्टा आ जाइए। जैसे देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
ये देखिए ये एक लिखने का क्रम होता है, क्या होता है क्रम होता है, जैसे आप ये लिखते हैं आपका ये क्वेश्चन आधा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो आप ये चीज को, आप जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो ये चीज को सबसे पहले आप कॉपी मिलने से पहले ही कहीं लिख के रख लें, या फिर कॉपी जैसे मिलता है क्वेश्चन आपको तुरंत उसको यहाँ पे अपना कॉपी में नोट कर ले, या आज जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है उसमें वो रफ पेज देते हैं तो रफ में ये तुरंत लिख के रख लें, जिससे आपको काफी इसमें या इस टाइप से कई क्वेश्चंस में अल्फाबेटिकली में एबीसीडी में आपको काफी मदद मिलेगी। तो इसमें हम क्यों बोले इसको लिखने कि जैसे देखिए ए बी से लेके एम तक जो आ गया उसके बाद जैसे नीचे से एन से हम फिर अपोजिट आएंगे तो इसका मतलब क्या ऊपर नीचे एक दूसरे का ओपोजिट बन जाता है, क्या बन जाता है एक दूसरे का ओपोजिट। देखिए ए का ओपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का जी, जी का एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई आर, जैसे आई आर से बोलते हैं कि इंडियन रेलवे, एक दूसरे का ओपोजिट होता है, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, तो ये एक दूसरे का हमेशा ओपोजिट होता है। तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें बहुत सारा आपको ओपोजिट का पोजीशन मिल जाएगा, जैसे देखिए बी है तो बी का ओपोजिट क्या होता है वाई, तो देखिए कैसे जानेंगे बी का ओपोजिट वाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम वी का ओपोजिट ई, तो देखिए वी का ओपोजिट वी नीचे तो वी का ओपोजिट ऊपर वी गया, फिर उसके बाद एस का एच और सी का एक्स, उसी तरह हम M का ऑपोजिट क्या होगा, M का ऑपोजिट N, तो N लिखेंगे, फिर उसके बाद R का ऑपोजिट तो इंडियन रेलवे, तो रेलवे और इंडियन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो R है तो I, फिर C तो C का ऑपोजिट क्या है X, उसके बाद P, P का ऑपोजिट क्या है याद के K, तो आंसर क्या हो जाएगा N I X K, तो देखिए N I X K यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको सबसे पहले ये मिलाना है कि ये दोनों कौन सा क्रम कौन सा सीरीज में दिया हो, उसी सीरीज में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसी क्लास में पहले फर्स्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद मैं इस आधार का क्वेश्चन को बताऊंगा, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां बोल रहा है कि बर्फ ठंडक पृथ्वी क्या आएगा, तो देखिए बर्फ और क्या है ठंडक, तो पृथ्वी पृथ्वी क्या आएगा, तो बर्फ क्या है बर्फ ठंडक है तो पृथ्वी क्या है, तो देखिए बर्फ क्या होता है बर्फ हमेशा ठंडा होता है, इसका मतलब क्या है कि बर्फ का जो गुण है एडजेक्टिव जो होता है विशेषण जो होता है विशेषता जो है बर्फ का वो क्या है ठंडा होना, मीन्स वो बर्फ हमेशा ठंडा ही होता है, उसका क्या है विशेषता है विश्लेषण बता रहे हैं, मतलब ये दोनों का जो सिमिलैरिटी है ये दोनों का जो एक एनालॉगी दिया गया है वो क्या दिया गया है एनालॉगी ये है दोनों के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है विश्लेषण बता रहा है, मतलब इसका जो विश्लेषण है वो ये बता रहा है, इसका जो विश्लेषण है वो कौन बता रहा है इसका जस्ट आंसर बता रहा है। तो उसी तरह पृथ्वी का विश्लेषण कौन बताएगा तो उसका आंसर जो आएगा वो बताएगा, मीन्स इसका जो यहाँ पे आएगा वो बताएगा इसका विश्लेषण, तो इसका विश्लेषण कौन बताएगा ये बताएगा। तो अब क्या है इसका विश्लेषण वो हम ऑप्शन से छांटेंगे, बिना ऑप्शन का तो आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर 2014 में जब हुई थी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का उसमें आपको ऑटोमेटिक मतलब खुद ही सेट करना था, लेकिन अभी आप जस्ट यदि आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये कीजिए, और अभी फिलहाल डिस्क्रिप्टिव पेपर को रोक दिया गया है रीजनिंग मैथ और जीके का, अभी इंग्लिश का ही सिर्फ हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए ऑप्शन से बनाइए, बाकी जब आगे नोटिफिकेशन आएगा इसका तो देखेंगे। आइए तो पृथ्वी पृथ्वी का विश्लेषण कौन बताता है, देखिए वजन, तो पृथ्वी का विश्लेषण वजन बताएगा नहीं बताएगा, वजन तो भार है। जंगल बताएगा नहीं बताएगा, पृथ्वी का विश्लेषण जंगल तो हो ही नहीं सकता है। गुरुत्वाकर्षण बताएगा, ये डेफिनेटली गुरुत्वाकर्षण ही बताएगा, क्यों, क्योंकि जैसे बर्फ ठंडा होता है उसी तरह पृथ्वी में क्या होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी क्या होता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण होता है, बिना गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी संभव नहीं है, मतलब इसका विशेषता जो पृथ्वी का विशेषता क्या है गुरुत्वाकर्षण है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना।
तो देखिए फिर चौथा ऑप्शन था समुद्र, तो पृथ्वी का विश्लेषण जो होगा हमेशा समुद्र का नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा गुरुत्वाकर्षण होगा। इसलिए इसको ध्यान में रखिए और इसको हमेशा याद रखिए, माइंड में रखिए कि जो भी आप बना रहे हैं, जितना भी सेट बनाते हैं या जितना भी जहां से प्रैक्टिस करते हैं, कोई बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी, तो आप डेफिनेटली आप इसको याद रखिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू टिक इन अ सेकेंड। ओके, इसी के साथ मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आता हूं, क्या बोल रहा है ग्लूकोमीटर, क्या बोल रहा है ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा, मतलब ग्लूकोमीटर जो है वो किससे संबंध है, रक्त शर्करा से संबंध है। मीन्स जो रिलेशन ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा का दिया हुआ है, ग्लूकोमीटर का जो संबंध वो रक्त शर्करा से दिया गया है, उसी तरह से हम नारी मापी का संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि ग्लूकोमीटर जो है उसका संबंध रक्त शर्करा से कैसे है। तो ग्लूकोमीटर से हम हमेशा रक्त शर्करा को क्या करते हैं, मापते हैं, मींस मेजर करते हैं उसको। यदि किसी को रक्त शर्करा है तो उसको किस चीज से मापेंगे, ग्लूकोमीटर से मापेंगे। तो उसी तरह क्या चीज हम यहाँ जो डैश जो आ रहा है ये यहाँ पे, इसको हम क्या चीज हम नारी मापी से मापेंगे, मापी मींस क्या, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो नारी मापी से मापेंगे किस चीज को हम, तो क्या भूकंप मापेंगे हम, नारी मापी से भूकंप मापेंगे, नहीं भूकंप हम नहीं माप सकते हैं, ये गलत है। रक्त चाप मापेंगे, क्या मापेंगे, रक्त चाप, रक्त चाप को मापेंगे हम नारी मापी से। ये सब याद रखने वाला चीज है कि हम किस चीज को क्या से मापते हैं और क्या से नहीं मापते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, अदरवाइज आप यदि दोनों का मीनिंग जानते हैं, दोनों का मतलब जानते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इजिली, अदरवाइज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। तो आप ग्लूकोमीटर को आप रक्त शर्करा से जैसे आप तुलना करते हैं, जिस तरह उस दोनों का पोजीशन दिया गया, उसी पोजीशन में हम नारी मापी को रक्तचाप से मिलाते हैं, ठीक ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये याद रखें, नारी मापी जो मापेगा वो क्या मापेगा, रक्तचाप को मापेगा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखिए मधुमक्खियां, क्या बोल रहा है, मधुमक्खियां भिन्न भिनाना, मतलब मधुमक्खी का संबंध किससे दिया हुआ है, मधुमक्खियां का संबंध दिया गया है भिन्न भिनाना, मधुमक्खी का संबंध दिया गया है भिन्न भिनाना। तो देखिए भिन्न भिनाना स्वर से ही लग रहा है ऐसा कि जैसे ये जो है मधुमक्खी का क्या है, बोलना, मतलब वो मतलब मधुमक्खी का जो चार मतलब जो आवाज होता है वो भिन्नभिनाहट होता है, क्या होता है, भिन्नभिनाहट वाला आवाज होता है इसका। तो मधुमक्खी हमेशा भिन्नभिनाता है, तो उसी तरह बोल रहा है कि उल्लू क्या करता है, उल्लू का संबंध क्या है, मतलब मधुमक्खी भिन्नभिनाना तो उल्लू डैश, तो मक्खी का आवाज भिन्नभिनाना है तो उल्लू का आवाज क्या होता है, यदि आप जानते हैं तो डायरेक्ट बता दीजिए, अदरवाइज दिक्कत होगा ऑप्शन से आइए। तो ऑप्शन में क्या है, गरजना, बात करना, सिसकारना और घूर-घूर आना। तो यह याद रखिएगा कि मधुमक्खी जिस प्रकार भिन्नभिनाती है, मधुमक्खी जिस प्रकार भिन्नभिनाती है, उसी तरह उल्लू क्या होता है, घुघुआती है, क्या होती है, घुघुआता है, घुघुआना। देखिए घुघुआहट होता है, जैसे होता है मधुमक्खी क्या होता है, भिन्नभिनाहट होता है, भिन्नभिनाहट देखो कितना भिन्नभिना रहा है मधुमक्खी, मींस भिन्नभिनाहट है उसमें। तो उल्लू क्या होता है, वो घुघुआहट होता है, घुघुआता है, वो क्या करता है, वो गुनगुनाना, घुघुआना, मतलब उसका जो आवाज है इसका उल्लू का वो है घुघुआना, तो उसको हम घुघुआहट भी बोलते हैं। तो उल्लू हमेशा क्या करेगा, घुघुआएगा, क्या करेगा, घुघुआएगा। तो ये याद रखिए घुघुआहट या घुघुआना आंसर में ऑप्शन में आपका रहेगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, और ये डेफिनेटली आप याद कीजिए, अदरवाइज डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए एक एक करके, मैं एक एक करके सोल्व करके आपको बताता हूँ, और इसको कैसे सोल्व करते हैं, किससे क्या रिलेटेड है, ये मैं बताऊंगा आपके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि रक्तहीनता, रक्त अराजकता डैश, मींस कह रहा है कि रक्तहीनता में जैसे रक्त का संबंध है, उसी प्रकार अराजकता का संबंध किससे है।
तो ये याद रखिए कि रक्तहीनता जो होता है, रक्तहीनता मीन्स क्या होता है, रक्त की कमी को रक्तहीनता, एनीमिया जिसको बोलते हैं, तो रक्तहीनता रक्त से संबंधित है। मीन्स रक्त यदि कमी है शरीर में या किस कुछ कहा शरीर का ही बात की है, रक्त यदि शरीर में कमी है तो रक्तहीनता एनीमिया बोलते हैं। तो उसी प्रकार अराजकता किससे संबंध है, तो देखिए रक्त की कमी को रक्तहीनता बोलते हैं, तो सरकार की कमी को अराजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकार की कमी को अराजकता बोलते हैं। देखिए गड़बड़ी राजतंत्र अव्यवस्था नहीं होगा, सरकार यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े होंगे दी अब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री, मतलब किसी भी देश में यदि सरकार ना हो तो उसे अराजकता मतलब एनार्की बोलते हैं, ANARCHY। देखिए एनार्की, एनार्की में होता है ये कि जैसे आपका अब्सेंस होता है गवर्नमेंट का, दी अब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री दैट इज कॉल्ड एनार्की, तो इसको हम बोलेंगे क्या अराजकता, इसी का हिंदी है अराजकता। तो जब रक्त की कमी से रक्तहीनता होता है तो सरकार की कमी से अराजकता होगा, इसका आंसर सरकार होगा, ये याद रखिए हमेशा। फिर दूसरा मैं आता हूं, देखिए फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट टिकेट, और दूसरा दिया न्यूमिस्मेटिक क्या आएगा, तो देखिए ये याद रखिए, इसमें भी एक यही है इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे द कलेक्शन ऑफ स्टंप, क्या बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ स्टंप इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट, क्या बोलेंगे उसको फिलेटलिस्ट। द सेम इज इक्वल टू हियर दैट द कलेक्शन ऑफ कॉइन, द कलेक्शन ऑफ कॉइन में सिक्के की कलेक्शन को हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये याद रखिएगा जब टिकट फिलेटलिस्ट का संग्रह को टिकट बोलते हैं, मतलब टिकट के संग्रह, टिकट जितना हम करेंगे जितना भी जमा करेंगे उसको हम फिलेटलिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिलेटलिस्ट, टिकट के संग्रह को फिलेटलिस्ट, उसी प्रकार सिक्के के संग्रह को न्यूमिस्मेटिस्ट, क्या बोलेंगे न्यूमिस्मेटिस्ट, सिक्के के संग्रह को न्यूमिस्मेटिक्स। और नक्शा तो हो ही नहीं सकता है, नमूना होगा नहीं, जवाहरात होगा नहीं, नक्शा तो नॉर्मल है जैसे कार्टोग्राफर हो गया उसका, तो यहाँ पे आपका सिक्का आंसर होगा। तो इसी तरह मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट, याद आइए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, पार्लियामेंट का संबंध जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन से है तो उसी प्रकार कांग्रेस का संबंध किससे है, तो कांग्रेस का संबंध जापान से है, भारत से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है या नीदरलैंड से है। तो देखिए कांग्रेस मुझे पार्लियामेंट, क्वेश्चन पहले पार्लियामेंट का संबंध जैसे ग्रेट ब्रिटेन से है तो ग्रेट ब्रिटेन के सांसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन के सांसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को पार्लियामेंट क्या बोलते हैं कांग्रेस, क्या बोलते हैं उसको कांग्रेस, पार्लियामेंट जो ग्रेट ब्रिटेन का संसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक ना, इसलिए यहां पे आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको याद कीजिए, जीके जस्ट जीके के टाइप्स का ही एक क्वेश्चन होता है, यदि आप जानते हैं इसे तो आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा, और यहां ही जानते हैं तो इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा ऑप्शन से छांटने का ताकत मिल जाएगा, यदि आप आंसर नहीं भी जानते किसी का तो ऑप्शन से छांट के आप आंसर बना सकते हैं। अब आता हूं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि पुस्तक, पुस्तक प्रकाशक तो फिल्म डैश, पुस्तक प्रकाशक फिल्म डैश, तो पुस्तक का संबंध जिस प्रकार प्रकाशक से है उसी प्रकार फिल्म का संबंध भी हमें दिखाना है। तो देखिए पुस्तक का संबंध प्रकाशक से किस प्रकार है, तो पुस्तक का जब भी पब्लिश होगा, पुस्तक जब भी बुक जब भी पब्लिश होगा तो उसको हम लोग कौन करेगा पब्लिश, उसको प्रकाशक करता है मीन्स पब्लिशर, तो उसी को बोलते हैं प्रकाशक। तो पुस्तक का प्रकाश करने मतलब पब्लिश करने वाला प्रकाशक होता है, उसी प्रकार फिल्म को जो आपका रिलीज होता है फिल्म तो उसको रिलीज कौन करता है निर्देशक, कौन करेगा डायरेक्टर होता है ना, जैसे कोई बनाता है फिल्म को तो उसी प्रकार पुस्तक, पुस्तकालय जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार फिल्म क्या है निर्देशक से संबंध है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों ऑप्शन यदि सेम हो इस टाइप का पुस्तक प्रकाशक तो फिल्म निर्देशक,
ये याद रखिए, ये आपको हर जगह काम आएगा। तो ये याद रखने से क्या, आप देखते के साथ विद इन मिनट आप बना सकते हैं, तो आप विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। पुस्तक प्रकाशक जिस प्रकार संबंध है, तो पुस्तक को प्रकाश करता है पुस्तकालय प्रकाशक, उसी प्रकार फिल्म को बनाता है कौन, निर्देशक। तो इसी तरह ये निर्देशक सही होगा। इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूं, ये देखिए इस पे आता हूं, इस पे ये बोल रहा है कि मरीचिका रेगिस्तान, तो डैश और डैश मतलब मरीचिका का जिस प्रकार रेगिस्तान से संबंध है, मरीचिका का जिस प्रकार रेगिस्तान से संबंध है, उसी प्रकार हमको इससे जो पहला वाला होगा और दूसरा वाला का संबंध दिखाना है। इसमें दोनों का दोनों डैश है, दो ऑप्शन है, जैसे आकाश भ्रम, इंद्रधनुष आकाश, वर्षा इंद्रधनुष, प्रतिबिंब और दर्पण। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यदि आप यहाँ पे मीनिंग समझ जा रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका ऑटोमेटिक आंसर होगा। तो देखिए मरीचिका कहाँ पे दिखता है, तो मरीचिका हमेशा हमेशा रेगिस्तान में ही दिखता है। तो मरीचिका जिस प्रकार रेगिस्तान में दिखता है, उसी प्रकार इंद्रधनुष आकाश में दिखता है। कहाँ दिखता है इंद्रधनुष, आकाश में। तो मरीचिका जिस प्रकार रेगिस्तान में दिखेगा, उसी प्रकार इंद्रधनुष आकाश में दिखेगा। अब देखिए आकाश भ्रम, आकाश में भ्रम तो सवाल ही नहीं है। वर्षा इंद्रधनुष, वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष दिखता है, लेकिन यहां बोल रहा मरीचिका रेगिस्तान, मरीचिका कहां दिखता है रेगिस्तान में, तो ये भी आंसर खत्म। प्रतिबिंब दर्पण, मतलब दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, तो ये भी आंसर गलत है। इसे मरीचिका रेगिस्तान में दिखता है, तो इंद्रधनुष आकाश में दिखता है। तो उसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, देखिए मछली सल्क, मछली और सल्क, और मीनिंग भी जानना होगा मतलब क्या होता है, अदरवाइज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। मछली सल्क तो भालू डैश, तो बोल रहा मछली का संबंध जिस प्रकार सल्क से है, मछली का संबंध जिस प्रकार सल्क से है, उसी प्रकार हमें भालू का संबंध दिखाना है। तो देखिए मछली का संबंध सल्क से किस प्रकार है, तो मछली जो हमेशा होता है, जो मछली है उसमें आप देखिएगा गोल गोल जब छीलते हैं उसको, तो गोल गोल छोटा छोटा निकलता है, उसी को हम लोग सल्क बोलते हैं। तो मछली को सल्क क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब मछली का ऊपर जो उसका पूरा बॉडी होता है वो सल्क से ढका होता है। उसी प्रकार भालू का जो शरीर होगा वो किससे ढका होगा, पंख से, पत्ते से, लोम चर्म से या त्वचा से, तो वह हमेशा लोम चर्म से ढका होता है। मीन्स भालू का जो शरीर होगा वो लोम चर्म से ढका होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे बर्फ में भी भालू होता है तो उसका रोमा होता है थोड़ा उठा उठा सा, जो लोम चर्म कहते हैं हम लोग, सिर्फ त्वचा नहीं दे सकते हैं, त्वचा ये हो गया जो नॉर्मल हम लोग का होता है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट उस तरह नहीं करता है जिस तरह मछली को सल्क करता है, ठीक ना। तो भालू का भी हमको इससे जिस तरह यहाँ संबंध दिखाया है कि मछली को सल्क जिस तरह बचाता है, उसी तरह भालू को लोम चर्म बचाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, लोम चर्म। तो यहीं पे मैं टाइप वन खत्म करता हूं, अब इसके बाद मैं टाइप टू पे आता हूं। ये आप लोगों के सामने टाइप टू का कई क्वेश्चंस में लिख के रखा हूं, ये देखिए अब एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिक्स क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो एक एक करके मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और ये इतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपका हैबिट हो जाए कि देखते के साथ आप बनाइए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो घंटी बना हुआ है उसमें आप क्लिक कर दीजिए, तो उसके बाद में जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आ जाएगी और आप उस वीडियो को देखें, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। और इस क्वेश्चन को मैं आगे बना के आपको बता के समझाता हूं। आइए जैसे इस क्वेश्चन पे पहले मैं आता हूं, तो इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए इसमें बोल रहा है कि m इंटू एन, मतलब एक्स नहीं है वो क्या है, गुना है, गुना ये मल्टीप्लाई, तो m इंटू एन, m इंटू एन इक्वल टू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ 13 और 14। तो मैं इसके पहले ही बता चुका हूं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, कहां तक हमने बोला था लिखने, एम तक। एम के बाद क्या करेंगे, उसका एम के नीचे एन से स्टार्ट करेंगे, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी U, V, W, X, Y और Z।
ये हो गया ना। यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप में मिल जाए तो ठीक, यदि आपको नंबर में मिले जैसे यहाँ 15 है 17 है 18 है तो उसमें क्या कीजिए आप, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लिख लीजिए। और नहीं तो यदि आपको याद है नंबर तो आप डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए अब आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। m इंटू एन, एम का मान दिया होगा m इंटू एन का 13 गुना 14, मतलब इंटू तो इंटू है तो m बराबर 13 दिया और n का मान 14 दिया है। m और n का मान, यदि m का मान 13 के होता है और n का मान 14 होता है तो वही दिया हुआ है m का 13 और n का 14, तो उसी संबंध में हम इसे निकालेंगे। यदि m के जगह पे 13 के जगह पे कुछ और रहता तो उसका जो रिलेशन होता उस टाइप का रिलेशन हम इसको निकालते, लेकिन अभी क्या है जस्ट m का 13 और n का 14 मतलब जो वैल्यू होता है वही दिया है, तो उसी तरह f का और r का निकालेंगे। तो f का क्या होता है तो आइए देखते हैं, a b c d e f, f मतलब 6, कितना हो गया 6, तो 6 ऑप्शन में है। यदि देखिए यहाँ है और कहीं नहीं है इसका मतलब यही आंसर होगा, यदि आप कहीं और होता तो क्या करते हैं तो यहाँ लिखते 6 इंटू, फिर लिखते r, तो r क्या कितना होता है, r हमेशा 18 होता है, देखिए r 18 पे है तो इंटू 18, 6 और 18, ये देखिए 6 और 18 है, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, m का मान दिया हुआ है, n का दिया हुआ है, f और r का उसी तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये है कि देखिए h g u o r और h t o o m s ये दिया हुआ है, उसके बाद हमें ये निकालना है डैश दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है रेडनेट, एक बार दिया r e d n e t, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखिए, h h सेम दिया हुआ है तो हमें r और r मिलना चाहिए, आर और आर बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रिक्स गलत है। अब क्या करेंगे हम पीछे से मिलाते हैं, यदि आर एस ये ठीक है, आर और एस दिया हुआ है तो पीछे से टी, टी के बाद क्या आना चाहिए, टी के बाद यू आना चाहिए जो कि यू भी नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रिक्स गलत है। अब देखिए या तो आप आगे से बढ़े या तो पीछे से, अब हम पीछे से बढ़ते हैं, यदि ऐसे करते हैं इधर से बढ़ते हैं मीन्स राइट से लेफ्ट जाएंगे तो लिखते हैं आर फिर ओ यू जी एच, ये हो गया R O U G H, देखिए एक वर्ड बन गया रफ, R O U G H रफ, उसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे S M O O T H स्मूथ, क्या बन गया रफ और उसका ऑपोजिट स्मूथ बन गया, इसका मतलब यहाँ जो देंगे वो इसका ऑपोजिट देंगे, तो रफ का ऑपोजिट स्मूथ बन गया, तो यहाँ पे क्या देंगे जिसका ऑपोजिट, अब इसको भी उल्टा लिखते हैं यदि हम, तो देखिए इसका उल्टा लिखेंगे तो टी ई एन, सॉरी यहां लिखेंगे टी ई एन डी ई आर टेंडर, ओ टेंडर, टेंडर मीन्स होता है जस्ट एकदम हल्का, मीन्स जो तुरंत हो जाए, तुरंत कोई काम करना एकदम आसान सा काम को उसको टेंडर बोलते हैं, तो टेंडर का उल्टा क्या होगा हार्ड हो सकता है या फिर टफ हो सकता है, तो यहां से देखिए टफ से तो वर्ड तो आ रहा है, ये देखिए टी से स्टार्ट होना चाहिए ये और ये दो टी से है तो उल्टा करेंगे तो टी O U G H ये होना चाहिए टफ, मतलब हम इधर से लिखते हैं यदि T O U G H तो H G U O T होना चाहिए, H G यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही होगा आपका, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, इधर से हम मेरा वर्ड दिया हुआ एक R O U G H रफ, R O U G H रफ को सीधा लिखिए इधर, फिर S M O O T H स्मूथ, S M O O T H स्मूथ, ये भी तरीका सा आपको दे सकता है, मतलब रफ का उल्टा स्मूथ और उसी तरह टेंडर का उल्टा क्या लिखाएगा, तो टेंडर में से T E N पीछे से जाएंगे यदि हम ऐसे तो T E N D E R टेंडर, तो उल्टा लिख किए तो टेंडर निकला, तो टेंडर किसका ऑपोजिट है तो टेंडर टफ का ऑपोजिट है, तो टफ यहाँ पे कौन बन रहा है टी ओ U G H ये बन रहा है, लेकिन ये आंसर देंगे ये नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे क्योंकि देखिए हमें उल्टा से लेना है, किधर से लेना है हमें
उल्टा से लेना है तो उल्टा से जो बने तो टी ओ यू इससे बन रहा है नहीं बन रहा है टी ओ यू जी एच देखिए इससे बन रहा है इसलिए ये आंसर सही होगा। इसी तरह मैं तीसरा क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए तीसरा बोल रहा है कि आर यू एस और टी आर यू एस और टी का वैल्यू 9, 6, 8 और 7 दिया हुआ है उसी तरह टी एस यू आर का वैल्यू क्या आएगा। देखिए मैं यहाँ पे हर एक तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 उसी तरह U का वैल्यू 6 S का वैल्यू 8 और T का वैल्यू 7। तो देखिए जब ये वर्ड यहां जो भी है वर्ड अल्फाबेटिक में जो भी है जैसे R है U है S और T है वही वर्ड यदि दूसरे बार भी जैसे T S U R मीन्स कहीं ना कहीं तो सेम वर्ड है जैसे R यहां है तो R यहां है यू यहां है तो यू यहां है एस यहां है तो एस यहां है टी यहां है तो टी वहां भी है। यदि सेम तरीका से आपसे दे वो दोनों तरफ क्या है एक ही वर्ड एक ही अल्फाबेटिक हो तो उसका न्यूमेरिकल जो नंबर होगा वो भी सेम होगा। तो जैसे देखिए टी लास्ट में है तो 7 लास्ट में है मतलब टी का वैल्यू 7 हो गया। आर का वैल्यू फर्स्ट में है तो फर्स्ट में 9 है तो आर का वैल्यू 9 हो गया। उसी तरह देखिए टी का वैल्यू क्या निकालेंगे तो टी का वैल्यू 7 तो 7 से स्टार्ट ये है ये है ये है ये नहीं है तो आंसर काट देंगे इसको गलत कर देंगे ठीक ना। अब देखिए यू बात कर रहा है यू का वैल्यू दूसरा में क्या है 6 है तो यू यहाँ कहाँ है इधर से फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे यू है ये देखिए यू है तो इसको 6 यू का वैल्यू 6 है तो यू का वैल्यू तीसरा पे 6 होना चाहिए जो कि इसमें 9 है ये गलत हो गया। ये देखिए ये सही है बाकी ये भी तीसरा पे नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये डेफिनेटली सही है। देखिए आर यू एस टी आर यू एस टी आर का वैल्यू 9 यू का वैल्यू 6 एस का वैल्यू 8 और टी का वैल्यू 7 उसी तरह टी का वैल्यू 7 एस का वैल्यू इधर से तीसरा है इधर से 8 बिल्कुल सही है यू का वैल्यू इधर से दूसरा 6 तो 6 यहाँ सही है और आर का वैल्यू 9 तो 9 बिल्कुल सही है मतलब ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करें यदि यहाँ सेम रहे वर्ड और यहाँ भी वही चीज दिया हो मतलब इधर उधर से कर दिया हो अल्फाबेटिक को तो कोई भी दिक्कत नहीं आप न्यूमेरिकल को इधर उधर कर दीजिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे देखिए इसमें रोमन में दिया हुआ है और इधर भी रोमन में दिया हुआ है रोमन को इधर नंबर में दे दिया इधर रोमन को कौन सा नंबर न्यूमेरिकल में आएगा वो हमें दिखाना है। तो देखिए रोमन में इसको हम लोग 10 बोलते हैं फिर इसको 10 बोलेंगे और इसको 4 बोलेंगे तो 10, 10, 20 और 4, 24 तो 24 × 48 दे रहा है इसका मतलब 2 से गुना है बराबर 48 या तो 48 को आप 24 से भाग दीजिए तो 2 तो 48 24 × 2 कर दिया मतलब 10, 10, 20 और 4, 24 48 उसी तरह हम फिर से लेंगे तो 10 और 4 कितना हो गया 14 तो 14 × 2 = 28 कितना होगा आंसर 28 तो 28 का है ये देखिए 48 है ये आंसर नहीं होगा 24 है ये भी नहीं होगा ये 28 है ये बिल्कुल सही आंसर है आपका फिर 30 भी नहीं होगा। अब आइए इस पे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है वी ओ आर ई बोर बोर का वैल्यू 10 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 उसी तरह देखिए एच ओ टी ई एल होटल होटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 15, 18 या 30 इसमें से कौन सा वैल्यू सही है ये कैसे जानेंगे। तो देखिए ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है हम क्या करेंगे या तो इसको 4 है 4 कितना बी ओ आर ई 4 वर्ड है तो 4 में क्या वर्ड नहीं सॉरी 4 लेटर है तो 4 लेटर में हम क्या करेंगे 2.5 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया उसी तरह 5 है 5 को 2.5 से गुना करेंगे तो 12.5 जो कि ऑप्शन में नहीं है ये गलत होगा तरीका। अब हम इस ट्रिक्स पे आएंगे यहाँ पे जो वैल्यू हम निकाले थे जैसे बी का वैल्यू क्या जानते हैं 2 फिर ओ का वैल्यू क्या जानते हैं ओ का वैल्यू यहाँ देखिए 15 फिर आर का वैल्यू क्या होता है आर का वैल्यू देखिए 18 और ई का वैल्यू 5 देखिए ई का वैल्यू 5 है तो अब देखिए ये कौन सा तरीका से दिया हुआ है क्वेश्चन को फिर उसके बाद हमको 10 चाहिए इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं किसी चीज से या तो डिवाइड है मल्टीप्लाई है कुछ ना मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ क्योंकि कम है डिवाइड है यहाँ पे या फिर माइनस है। अब देखते हैं क्या इसमें यदि हम प्लस करते हैं सबको हमेशा जोड़ने का कोशिश कीजिए कभी भी फर्स्ट में जो नंबर हो मतलब लेटर हो उसके आधार पर आप हमेशा जोड़िए उसको कभी भी घटाने का या भाग देने का इसमें से तो खैर जरूरत ही नहीं है तो हम हमेशा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 18 23 23 और 15 हो गया 38 38 और 2 40 तो 40
मतलब इसको जोड़िएगा तो 40 आएगा, तो 40 का मान क्या दिया हुआ है 10, इसका मतलब क्या है 40 का मान 10 है, इसका मतलब क्या है 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देखिए सबको न्यूमेरिकल को नंबर को जोड़ लिया हम, इसका लेटर को क्या है बी का मान दिया हुआ है 2, फिर ओ का 15, आर का 18, ई का 5, तो उसके बाद 40 निकला। 40 को हम 4 से डिवाइड कर दिए, चूंकि हमको 10 लाना था इसलिए 4 से डिवाइड करके 10 कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लेटर कितना है, लेटर कितना है 1, 2, 3 और 4, 4 लेटर है इसलिए 4 से डिवाइड किए तो वैल्यू कितना निकला 10। अब उसी तरह हम एच ओ टी ई एल होटल में आएंगे तो होटल एच का वैल्यू कितना है देखिए 8 प्लस ओ का वैल्यू 15, फिर टी का वैल्यू कितना, टी हमेशा 20 होता है, टी 20, ई का वैल्यू 5 और एल का वैल्यू 12, 20 बोलते हैं तो टी 20 का वैल्यू, टी का वैल्यू हमेशा 20 होता है, तो देखिए 12, 5, 17, 20, 37 और 15, 37, 15, 52 और 8, 60, 60। 60 को हम कितना से भाग देंगे तो जितना यहाँ लेटर है, कितना है 1, 2, 3, 4 और 1, 5 लेटर है तो 5 से भागा देंगे तो 12, 5, 60। तो देखिए 12 फर्स्ट में ही ऑप्शन है आपका, फिर 15, 18 और 30। यदि आप बोलेगा कि यहाँ 4 से डिवाइड किए, यहाँ भी 4 से डिवाइड करके हम 15 चौके 60 आंसर ले आएंगे तो डेफिनेटली गलत होगा आपका, क्योंकि यहाँ 4 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि 4 लेटर था, इसलिए यहाँ पे हम 5 से डिवाइड देंगे क्योंकि यहाँ 5 लेटर है, ठीक ना। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ के इसका लेटर से डिवाइड दे दीजिए जितना है, उसी तरह इसको जोड़ के इसका नंबर जो भी आता है 60 आया। क्यों? क्योंकि H O T E L का सबका वैल्यू को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना लेटर है उससे डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई वी आई एल, डेविल, डेविल को लिखा है ए बी एस एफ आई, ठीक ना, ये लिखा है। उसी तरह हमें इसका इसका देना। एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि कभी भी आप डेविल है या अदर, यहाँ दूसरा में अदर दिया हुआ है, तो इसको आप एक मीनिंग ना निकाले, जैसे डेविल हो गया आपका बुराई, तो ये डेविल को आप मीनिंग नहीं निकालना है, आपको उसके अनुसार इसको सेट करना है। यदि आप इसमें नहीं समझ में आता तो आप उसका हिंदी देखें, हिंदी टाइप का, तो आप यदि तो दोनों साइड वही देता है, लेकिन आपको मीनिंग हमेशा और हमेशा आपको एक मीनिंग निकालना है, मीनिंग नहीं निकालना है कभी भी, आप हमेशा इसको एक को दूसरे से कंपैरिजन करके देखिए, मीनिंग नहीं निकालना है। तो देखिए डी है और ए है, तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है, इसका मतलब क्या है, पहले डी से हम क्या आ रहे हैं, कुछ माइनस में जा रहे हैं, मतलब हम पहले आ रहे हैं डी से, पहले हम ए आ रहे हैं, तो डी से ए कितना पहले आएंगे, 1, 2, 3, मतलब डी से ए गए बराबर माइनस 3 आ गए, 1, 2 और 1, 3। उसी तरह हम ई से बी जाएंगे तो क्या होगा, ई से यदि बी जाते हैं तो फिर 1, 2, 3 माइनस 3। उसी तरह फिर एस से यदि हम वी जाएंगे, सॉरी वी से यदि एस जाएंगे तो वी से एस जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहां से 1, 2 और 1, 3, मतलब सभी यहां माइनस 3, 3 बढ़ रहा है। देखिए आई से एफ गए वो भी 3, 1, 2, 3 माइनस 3, और उसी तरह फिर हम एल से यदि आई आते हैं, एल यहां है मेरा तो 1, 2 और 1, 3, मतलब सभी माइनस 3 चला गया, मतलब डी से ए माइनस 3, ई से बी माइनस 3, बी से एस माइनस 3, आई से एफ माइनस 3, एल से आई माइनस 3। तो यहां जब सब माइनस 3, 3 गया तो डेफिनेटली यहां भी क्या करेंगे, हम सबको माइनस 3, 3 ही करेंगे, 4 या 2 बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ओ से माइनस 3, ओ से यदि माइनस 3 जाते हैं तो 1, 2 और 3 एल ये बन गया। आपको आंसर नहीं देखना, बस अपना बनाना है टी, लेकिन ये याद रखिएगा जब L निकल जाए और ऑप्शन में कोई ना हो तो आप मार के चले जाइए, फिर सोचना ही नहीं है। और यहां देखिए ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये R से स्टार्ट हो रहा है, ये L है, ये L है, अब दो L है, उसमें से कौन सा आंसर है पता नहीं, लेकिन आप सबसे पहले इसको और इसको तो काट दीजिए, इसको दोनों में तो आप देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। अब देखिए O के बाद T, T कहां है, T देखिए यहां पे है, T यहां है, तो T के पहले कितना माइनस करेंगे, 3 जाएंगे हम, तो S, R और Q, Q आएंगे, तो L,
क्यू, एल क्यू और इससे आगे बढ़ेंगे फिर ऑप्शन से मिलाएंगे तो एल के बाद आर है, यहाँ एल के बाद क्यू है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही होगा, इसको आप छूना ही नहीं है, यहाँ पे आप समय इस तरह बचा सकते हैं अपना। तो फिर देखते हैं एच ई है या नहीं है, तो देखिए एच के पहले एक दो और एक तीन ई है, बिल्कुल सही है ये, फिर ई के पहले बी, तो ई के पहले बी यहाँ से भी मिला चुके थे ई और बी, तो आर और आर कहाँ से मिलाएंगे, आर के पहले एक दो तीन ओ, तो आर के पहले ओ, देखिए लास्ट में ओ है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब उसी के साथ में इस क्वेश्चन पे आता हूँ, यदि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में वो क्वेश्चन को टाइप करके। आइए इसमें आते हैं, देखिए एन यू एम ई आर एल न्यूमरल, मतलब इसको मीनिंग नहीं दिखाना है, बस ये दे रहा है कि एन यू एम ई आर एल। अब देखिए इसमें ये है फंडा, इसमें इसका कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए इसमें दिया हुआ है एन यू एम ई आर ए एल, इसका वैल्यू दिया हुआ है यू ई ए एल आर एम एन, मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है कि ये देखिए यहां से वैल्यू सबसे लास्ट में जा रहा है, मतलब पहला कहां जा रहा है, जो पहले वाला लेटर है वो सबसे अंत में जा रहा है, तो मेरा पूछ क्या रहा है एलजेब्रा, एलजेब्रा क्या बनेगा, तो सबसे पहला वैल्यू कहां जा रहा है, सबसे लास्ट में, तो सबसे पहला वैल्यू हम कहां रखेंगे, सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात है, एक दो तीन चार पांच छह और सात हम कर लिए, जो कि हमको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, आपको इस तरह नहीं बनाना है, बस आप यहां देखना है एन तो एन ए चला गया लास्ट में, ऑप्शन देखना है तो इसमें ये ऑप्शन में ए बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऑप्शन आप छोएंगे नहीं, अब ये तीन ऑप्शन में से आएंगे। फिर देखिए यू कहां है, यू आपका यहां से पहला गया, मतलब दूसरा वाला जो वैल्यू है वो फर्स्ट में जा रहा है, तो दूसरा एल जो है वो कहां ले जाएंगे हम, बिल्कुल फर्स्ट में एल, अब एल से स्टार्ट होने वाला तो फिर तीन का तीन है। फिर देखिए एम, एम जो तीसरा वैल्यू है वो कहां जा रहा है, तीसरा वैल्यू जो है वो लास्ट से दूसरा जा रहा है, तो तीसरा वैल्यू जी जो है वो कहां जाएगा, लास्ट से दूसरा ले जाएंगे जी, एकदम सही। अब देखिए जी किसमें है, तो देखिए जी इसमें नहीं है, जी इसमें भी नहीं है, जी यहां है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल आपका सही होगा, लेकिन आप कैसे कर सकते कि जो आप तरीका बना रहे हो वो सही है, तो हम आपके पूरा कब पूरा क्या करेंगे, स्क्रूटिनाइज करके देखते हैं इसको। फिर क्या करें, ई, ई कहां जा रहा है, ई सेकेंड में जा रहा है, तो मतलब चौथा जो नंबर है वो सेकेंड में जा रहा है, तो चौथा जो नंबर है वो हम सेकेंड में रखेंगे। अब देखिए एल ई, एल ई इसमें है, इसमें है, इसको पहले काट दिया नहीं होगा, अब देखिए इसमें मैच कर रहा है, और आते हैं आर, आर कहां गया, तो एक दो तीन चार पांचवा अक्षर एक दो तीन चार पांचवा में रह गया, तो एक दो तीन चार पांचवा बी जो होगा, एक दो तीन चार पांचवा बी का बी यहां आ जाएगा, ये देखिए यहां भी ये मैच बिल्कुल कर गया। अब देखिए फिर कहां गया, ये भी हो गया, अब ए कहां गया, इधर से देखिए एक दो तीन चार पांच छठा जो वर्ड है वो तीसरा में गया, तो एक दो तीन चार पांच छठा जो आर होगा वो तीसरा में आएगा, एक दो तीसरा में, ये देखिए बिल्कुल एक दो तीसरा में है। उसी प्रकार आपका जो बचा संख्या ए है आपका वो कहां आ जाएगा, एल जो है चौथा में, तो ए जो है चौथा में बन जाएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली आंसर सही है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ, यदि अभी भी बोल रहा हूँ कि इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नीचे वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ उसमें क्लिक करें, और घंटी में क्लिक करें कि जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको एज ए नोटिफिकेशन को आ जाएगी आपको कि मैंने वीडियो डाल दिया, आप देखना चाहते तो देखिए, और मेरे कई चैनल पे मेरे इस चैनल पे कई वीडियोस मैथ पे इंग्लिश पे रीजनिंग पे मेरे चैप्टर पे है, तो आप देखते रहिए बने रहिए, और यदि पसंद आई हो मेरे वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए शेयर कीजिए, धन्यवाद।